28 मई को कांग्रेस देश भर में अपने 50 लाख नेता और कार्यकर्ताओं के जरिए केंद्र सरकार के सामने कोरोना संकट से पीड़ितों की मदद की गुहार लगाएगी। पार्टी इस दिन सोशल मीडिया के जरिए ऐसे लोगों को 10,000 रुपए आर्थिक सहयोग की डिमांड रखेगी। इसके लिए पार्टी ने सभी प्रदेश इकाई को निर्देश जारी किया है। कांग्रेस लॉकडाउन के कारण परेशान देश भर के किसानों, प्रवासी मजदूरों, फुटकर विक्रेता, असंगठित कामगारों के पक्ष में 28 मई को सोशल मीडिया के जरिए ऑनलाइन कैंपेन चलाएगी, जो दिन के 11 बजे से 2 बजे तक चलेगा। इसके जरिए पार्टी इन प्रभावित वर्गों को 10,000 रुपए का आर्थिक सहयोग देने की मांग केंद्र सरकार के समक्ष करेगी। झारखंड में भी पार्टी का यह अभियान चलेगा। कैंपेन करेगी 28 तारीख को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक। केंद्र सरकार से हमारा मांग होगा कि ऐसे सभी परिवारों को 10,000 रुपए सरकार अविलंब दे और इस मुहिम में AICC से लेकर जिलों तक के नेता, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम पदाधिकारी, विधायक, मंत्री सभी जुड़ेंगे इस कैंपेन में और इस कैंपेन के माध्यम से केंद्र की सरकार पर एक दबाव होगा। इस ऑनलाइन कैंपेन के जरिए देश भर के करीब 50 लाख कांग्रेसी केंद्र सरकार समक्ष इस मांग को रखेंगे। कांग्रेस का मानना है कि लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, साथ ही यह रोजाना कमाने खाने वाले वर्ग पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। पार्टी ने जो कैंपेन चलाया है उसके अंतर्गत हम लोग 50 लाख पार्टी के वर्कर उस कैंपेन में 28 तारीख को जुड़ेंगे और कई ऐसे लोग जुड़ेंगे जो इस क्षेत्र से प्रभावित हुए हैं और प्रयास हमारा ये होगा कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, अन्य जो साधन हैं उसके माध्यम से केंद्र सरकार को एक बड़ा संदेश दिया जाए। लॉकडाउन की वजह से उत्पन्न स्थिति और इससे प्रभावित वर्ग को लेकर कांग्रेस का यह सोशल मीडिया के जरिए अब तक का सबसे बड़ा कैंपेन माना जा रहा है, जिसके जरिए पार्टी जहां अपनी शक्ति का प्रदर्शन सोशल मीडिया में करेगी, साथ ही मजदूरों, किसानों, असंगठित कामगारों के पक्ष में अपनी आवाज भी बुलंद करेगी। रांची से कैमरामैन राजेश तिर्की के साथ न्यूज 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट।